नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं राजेश तिवारी। भाजपा का 100 दिन यानी दोबारा सत्ता में आने के बाद भाजपा ने 100 दिन अपना पूरा कर लिया और इन 100 दिनों में भारत सरकार यानी भाजपा सरकार ने किन किन कार्यों को किया यह आप सभी भी जानते हैं। इस मुद्दे पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने आज संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर 100 दिनों की उपलब्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इन 100 दिनों में जो अपने मतदाताओं से वादा किया था 370 के अलावा 3 तलाक के साथ ही कई बारे में भी कई बिंदुओं पर भी जो भाजपा सरकार ने अपना वादा को पूरा किया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले में हाकिम प्रसाद के अलावा सूर्यभान सिंह और राजेंद्र तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त की। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्तमान सांसद और भारत के ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह ने भी जो घोषणा की थी उस घोषणा को पूरा करने में थोड़ा और ज्यादा वक्त लगने की संभावना है। आइए सुनते हैं कि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने किन किन मुद्दों पर जानकारी दी। पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी का दौर था उस समय भी भारत ने अपने को इस दौर से निकालने का काम किया है और इस समय तो सशक्त सरकार है भारत के अंदर। सारी समस्याओं से निपटने का काम बहुत तेजी से हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द इन समस्याओं से हम निजात पाएंगे और इससे हम प्रभावित नहीं है। जो हमारी आर्थिक विकास दर है इस ग्लोबल मंदी के दौरान भी हम बहुत तेजी से अपने देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रेलवे के अंदर काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। हमारा कार्य कहीं रुका नहीं और सरकार सभी मोर्चों पर सफल हुई है। आर्थिक नीति हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, विश्व स्तर पर पाकिस्तान को परास्त करने का मामला हो, चाइना को आईना दिखाने का मामला हो, ऐसी तमाम जो समस्याएं हमारे देश के अंदर थी हमारे प्रधानमंत्री का अटल इरादा। उन्होंने कहा था कि न हम समस्याओं को पालते हैं और न टालते हैं। कश्मीर का मुद्दा हमारे पार्टी का एजेंडा था और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार जब हमारे अध्यक्ष ने घोषणा किया कि इस बार की सरकार जब हमारी आएगी और 300 प्लस सीट जब हमारा आएगा तो कश्मीर के समस्या का समाधान करेंगे। और चुटकियों में जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान हुआ और जो लोग जातियों की दुकान खोलकर बैठे थे, देश में जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने कुशल नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को जिन्होंने इस समस्या का समाधान भी किया और देश के अंदर कहीं तू तू मैं मैं का भी माहौल नहीं बना। सभी लोगों ने इसका साथ दिया और जो विश्व मंच पर पाकिस्तान यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, आज उनके मुंह पर भी कड़ा तमाचा है। विश्व समुदाय के लोगों ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। आज दर दर कटोरा लेकर भीख मांगने पर भी उनको भीख नहीं मिल प्राप्त हो रहा है। पूरे देश में शांति का माहौल है, विकास हो रहा है, सभी वर्गों का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यही हमारी सरकार की उपलब्धि है और जो कोढ़ हमारे अंदर था, ये मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक का मुद्दा जिस तरह से हमारे सभी लोगों ने आपको ब्रीफिंग करने का काम किया है, इस कोढ़ को भी ऐतिहासिक फैसला मानते हुए कि हमारे 100 दिन के अंदर इस कोर को समाप्त करके और जबकि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं रहते हुए जिस तरह से लोगों ने मित्रों पहले 25,000 भारत सरकार के एनडीए
क्योंकि नरेंद्र मोदी की जी की जब सरकार बनी, कल 100 दिन पूरे हुए सरकार के, जो सत्र चला इस सरकार के, उस 60 सालों में जितने सत्र चले, उस सत्रों में सभी सत्रों से जितने विधेयक पारित हुए 60 सालों में कभी नहीं हुए। और महत्वपूर्ण कई विषय जो विधेयक आए, उसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक है 3 तलाक। पिछले सत्र में वो 3 तलाक राज्यसभा में गिर गया था, लेकिन 2019 में पुनः सरकार बनने के बाद 3 तलाक लाकर लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ। और मुस्लिम बहनों की, जिनको लोग फोन पर तलाक तलाक 3 बार कहकर छोड़ देते थे, उनकी रक्षा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वैसे प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत मुस्लिम समाज की तरफ से भी बहुत धन्यवाद दिया गया। और उसके बाद एक विधेयक आया 370 भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एक मुद्दा था कि हम सरकार में अगर बहुमत में आएंगे, पूर्ण बहुमत में, तो 370 और 35 को हटा दें। हमारे जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान 370 के मुद्दे पर ही हो गया था। वो कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कि इस देश में एक विधान एक संविधान एक निशान, एक निशान और एक पहचान, 3 एक ही रहेगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके विरोध में जब जम्मू कश्मीर में गए तो उनको जेल में डाल दिया गया और रहस्यमय मृत्यु हुई, जिसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई कि कैसे मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो पूरे देश में यह गुंजा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, पूरे देश में यह नारा गुंजा था। उस नारे को आज के उन तमाम मातों, बहनों, भाई और दोस्तों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिसने अपनी अमूल्य बहुमत के द्वारा, भारी बहुमत में, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनाई, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर अपनी विश्वास जताया। उन्होंने पहला सत्र में भी पिछले 5 वर्षों में जो काम करके दिखाया, और इस सत्र मोदी सरकार द्वितीय सत्र में आज 100 दिनों के उपलक्ष्य पर मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम सभी मंत्रीगण महानुभावों को और सभी सांसदों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिसने जन्म लेते साथ हम लोगों की एक ही तमन्ना, एक ही सोच थी कश्मीर की मुद्दा पर 370-35A। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने इसको हटाया। मैं जनता के, भारत की जनता की तरफ से उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम लोग की जो सपना थी जन्म लेने का, जो एक कर्तव्य होता है, वो पूर्ण हुआ। तो इसमें जनता की सबसे बड़ी अहम भूमिका है, जिसने नरेंद्र भाई मोदी जी पर अपने विश्वास को जताया, उन्होंने काम करेंगे। तो आप भी इसमें ध्यान देंगे कि कश्मीर को 2 तरह से बांट दिया गया, पाकिस्तान इसमें बिलखते रह गया, किस तरह करेंगे ये केंद्र शासित राज्य। अब जाके भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश के लोग वहां जाके व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं। कश्मीर के लोग जो अब तक मुनाफा इस तरह पाकिस्तान के अंदर में रहते हुए, कश्मीर के लोग ने जो मुख्य धारा से नहीं जुटे थे, सारे लोग जुटेंगे और भारत सरकार के विकास योजना उनके साथ मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि वहां इनके 100 दिनों में जो भी स्टेप था, तमाम तरह की विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई तरह की बातें उठती थी, हंगामा होने की, शांति प्रिय देश। मैं कश्मीर की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के साथ है, भारत उनका एक भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है, इसलिए कश्मीर की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। दूसरी चीज, आतंकवादी कर
के विषय पर जो ईवीएसपीए की गठन किया इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनआईए को अधिकार दिया, जब आतंकवादी जो हमारे देश में पलता बढ़ता था वो बंद हो जाएगी। इस आधार पर आतंक के देश की सुरक्षा के हेतु में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अहम भूमिका थी। अब चंद्रयान दो भी जहां पर विश्व के चौथा राज्य के रूप में हम जाने जाते थे, आज जहां चंद्रयान पहुंचा दुर्भाग्यवश अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन ये भी सूचना मिलने को मिल रहा है कि अब चंद्रयान से हमारे इनकी बात होने लगी, तो वो हम एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं उन तमाम वैज्ञानिक भाइयों को, इसरो के वैज्ञानिक भाइयों को तहे दिल से देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उनके उत्साह से जो इन्होंने अपने देश का मान को बढ़ाने का काम किया, सारा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी जो इसरो के प्रमुख को अपने गले से लगाया, ये बात सुनते हुए हम सबकी रुआ उठ जाती है कि एक अपने भाई भाई भरत मिलाप, राम और भरत की मिलाप जैसा वो दृश्य दिखा जो चंद्रयान में जाने के लिए मौजूद था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी और साथ साथ इसरो के प्रमुख बहुत बसीवान जी को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये मोदी जी के 100 दिन का कार्यक्रम, मोदी जी का ही नहीं पूरे मंत्रिमंडल का 100 दिन का कार्यक्रम, अभी देखेंगे तमाम विरोधी दल आर्थिक मंदी के विषय में जो देशवासियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरे भारतवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में दोबारा सरकार गठन हुआ और दोबारा सरकार उन्हीं का आता है जो 5 साल जो कार्य होता है और 5 साल कार्य करने के पहले जो सरकार वादा अपने देशवासियों से करती है और उस पर खरा जब उतरती है तभी जाकर के दोबारा सरकार बहुमत में आती है। हम अगला पिछले सत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 हम लोग आया था और पूर्ण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ संकल्पता के साथ जो देश का सेवा किया उस पर ये 2019 का चुनाव में पूरे भारत के लोगों ने विश्वास किया और केवल भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर करके 303 बार जो हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते थे कि 300 बार और 300 बार का 303 सरकार में हम लोग आए बहुमत, सरकार बनी एनडीए लेकर के 360 में हम आ गए हैं। और सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की शैली अलग है और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल चल रहा है इन लोगों का शैली एक अलग है काम करने की। वे लोग प्लानिंग करते हैं कि हमको 1 साल में कौन कौन सा काम करना है, दूसरा साल में कौन सा करना है, रोड मैप बनाना है, शिक्षा का विद्यालयों में सब विद्यालयों को बनाना है। अब मिशन हमारे प्रधानमंत्री का है कि हम 2022 तक पूरे भारत के गरीबों का हम पक्का मकान दे देंगे और मकान ये यानी 70-40-45 हजार नहीं 1.5 लाख रुपया गरीबों का मिल रहा है और डायरेक्ट खाता में। और कांग्रेस के राज में आप लोग जानते होंगे माननीय राजीव गांधी जी जब जिंदा थे तो बोलते थे कि हम 1 रुपया 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया जनताओं के बीच में जाती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री का सोचा है हम 100 रुपया जब यहां से दे रहे हैं लोगों का तो हम 100 का 100 99 नहीं 100 का 100 खाता में देंगे, पूरा का पूरा। लोगों का हुआ कि इतना खाता क्यों खुल रहा है, जनधन योजना खाता क्यों खुल रहा है, सारे पैसा। और 100 दिन में जो हम लोग ने दूसरा का कार्यकाल में एजेंडा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 हटाएंगे, 3 तलाक हम अगले सत्र में राज्यसभा में हमारा पारित नहीं हो सका जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के साथ जो सिस्टम था, सरकार आते ही 3 तलाक हटा यानी पास हुआ बिल, राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिला, 370 हटा, 35 हटा और वहां सर्वे दिमाग का खेल है, परसीमन कर करके जो कश्मीर का भाग है टुकड़ा टुकड़ा कर करके अब नया चुनाव होगा, सरकार आएगी और वहां अमन चैन। अपने सांसद ने बहुत से कार्यों को गिनवाया था, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नहर के आधुनिकीकरण, बहुत चीजें, कितना पूरा हुआ 100 दिनों में? देखिए
100 दिन में जो काम हुए नरेंद्र मोदी की सरकार में, पहले तो सांसद लोगों को एक दिन प्रधानमंत्री ने नहीं छोड़ा, 100 दिन में लगातार इतनी बड़ी लोकसभा चली, संसद चला कि किसी को फुर्सत अपने क्षेत्र का नहीं जा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सांसद लगे हुए हैं कि जिले का विकास और तेजी से होगा। उन्होंने तरारी में कहा और आरा में कहा, आरा में अभिनंदन समारोह में कहा कि बहुत तेजी से विकास होगा। और इन्होंने ये भी कहा, पहले से कहा है कि कोई भी ऐसा गांव भोजपुर का नहीं बचेगा जो सांसद तेजी से विकास नहीं हुआ होगा। इस प्रयास में लगे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इतने सारे में लगे हुए हैं। कोई भगवत ये जादू की छड़ी नहीं सांसद के पास है कि घुमा के एक के बारे में सब पूरा कर देंगे। ये 50 साल तक लंबी लड़ाई है जो पूरा नहीं पाई कर पाई कांग्रेस। कोई बार पुल देखिए, मैं कल आ रहा था पटना से, देखा पानी में भी काम हो रहा है, पानी में भी पुल पर चल रहे हैं, स्लाइड चल रहे हैं। इसलिए मित्रों हम प्रधानमंत्री भी, मैंने 5 साल हो गया अध्यक्ष जी, मेरे ही बार में अपने MP साहब ने बोला था 5 साल हो गए, कितने बच्चे का एडमिशन, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक तो कुछ बता। देखिए जमीन का दिक्कत था, जमीन नहीं मिल रही थी, अब मिला है, अब बन जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें तो समस्या है कि लोग जमीन मिला उस पर लोग रीट कर दिया, कोर्ट सभी फैसला आ चुका है, अब वो भी काम लगेगा और इसके लिए हमारे पूरी पार्टी तैयार।